नंगनाच, मौत का नंगनाच चला हॉस्पिटल में नंगनाच। अरे एक कुल्हाड़ा लेके बाहर बैठ जाओ, गर्दन पे मारते रहो, कम से कम तसल्ली दो कि लोगों को मार दिया। मार कैसे दिया, मेरी वाइफ मार दी इन्होंने, आज ही भर्ती की थी। एक एक शब्द सुनकर आपका दिल दहल गया होगा। मुजफ्फरनगर के अस्पताल में जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई ये शख्स खोल रहा है। कैसे अपनी पत्नी को भर्ती कराया था लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाती है। इसकी गर्भवती पत्नी ये बता भी नहीं पाती कि आखिरकार डॉक्टरों ने क्या किया होगा, जबकि उसकी रिपोर्ट आरटीपीसीआर रिपोर्ट पूरी तरह से नेगेटिव थी। लेकिन कैसे अचानक कुछ ही घंटों में मौत हो जाती है और अस्पताल में रो रो कर इस शख्स का बुरा हाल है। वाकई स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है। आप सुनिए, नंगनाच, मौत का नंगनाच चला हॉस्पिटल में नंगनाच। अरे एक कुल्हाड़ा लेके बाहर बैठ जाओ, गर्दन पे मारते रहो, कम से कम तसल्ली दो कि लोगों को मार दिया। हेलो, मैं सचिन सैनी, मेरी वाइफ 6 महीने प्रेग्नेंट है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव है। बिगराजपुर मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में इन्होंने कोरोना में इसको लिया, कोरोना में लिया। और मेरी वाइफ का बच्चा हमारा पेट भर, सबसे पहला सवाल ये कि आरटीपीसीआर निगेटिव में इन्होंने भर्ती कैसे कर लिया कोरोना में। मैं बड़ा परेशान हूँ। देखो अभी रिपोर्ट दिखाइए, ये अभी गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑनलाइन जो आती है, ये जो दावे करते हैं कि गवर्नमेंट दिखाओ, ये गवर्नमेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि ये मार कैसे दिया, मेरी वाइफ मार दी इन्होंने, आज ही भर्ती की थी। ये देखो, ये मेरे गांव के, ये मेरे पिताजी, ये मेरे ससुर डॉक्टर MBBS डॉक्टर है। ये आप मेरे सामने आज इन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को मारा है जो आज सुबह भर्ती हुए। आज सुबह हंगामा हुआ है यहाँ पे, तोड़फोड़ भी किया लोगों ने, तब जिनके लोग और भी मरे हैं, मेरे नाश कर दिए लोगों ने। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देखो, मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे सारा स्टाफ, पुलिस वाले भी सब है, कोई नहीं यहाँ पे दिख रहा। देखो कोई नहीं दिख रहा, देखो वो डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पे। मेरा नाश कर दिया लोगों ने। आरटीपीसीआर निगेटिव है कोरोना में एडमिट करके, मेरे बच्चे 6 महीने का, 6 महीने का भाई, बताओ इसके खिलाफ। अभी कोरोना नहीं था, निगेटिव था। मैं पिछले 3 दिन से लेके घूम रहा हूँ कि आरटीपीसीआर दिखाओ, आरटीपीसीआर, आज आरटीपीसीआर दिखाई इन्होंने, फिर भी कोरोना में एक एंटीजन टेस्ट के आधार पे कोरोना कोविड सेंटर में डाल दिया। 6 महीने की मेरी वाइफ थी। ये देखो पापा इन्होंने नाश करते, मेरा बच्चा भी मार दिया। ये तो सुना आपने, एक के बाद एक आ रही इन वीडियोस ने ये बता दिया कि भारत का सिस्टम लचर हो चुका है। अस्पताल में बेड नहीं, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन है तो डॉक्टर नहीं, और डॉक्टर है तो कोई सुध लेने वाला नहीं। ऐसे भी अस्पताल हैं जहां 4-4 दिन बाद डॉक्टर पहुंच रहे हैं और कब्रिस्तान में वेटिंग है। आप दिल्ली की यह तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखिए, कानपुर की तस्वीर देखिए, लखनऊ वाराणसी की तस्वीर देखिए, सब तस्वीर एक जैसी है। ऑक्सीजन इतनी कम है कि सांस लेना मुश्किल है और सांसों के लिए लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं कंधे पे ढो रहे हैं तो कहीं अपनी बाइक पर लेकर चल रहे हैं, लेकिन सरकारें चुप्पी साधे बैठी है। आखिरकार जब पता था कितनी भयावह स्थिति है तो बयानबाजी की जगह अगर जमीन पर काम हुआ होता तो शायद स्थिति बदल सकती थी। लेकिन आज ये बिलखते रोग आंसू थम नहीं पा रहे हैं। इनकी चीख आज शायद उन सरकारों के कानों में जरूर पड़ेगी। देखना होगा आगे और क्या कुछ होगा। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।